भाई तो में आ रखा, मैं सोचा यार भाई भाई आ जाए अपने साथ डोमिनार 400। और ये है रोहित भाई की। नहीं नहीं ठीक है रोहित भाई, क्या हाल है? बढ़िया भाई, चलो आ जाओ भाई फ्रेम में। तो भाई आज लेते हैं रोहित भाई की डोमिनार का रिव्यू। तो आपसे मैं कुछ सवाल पूछूंगा, तो सबसे पूछूंगा भाई पावर कैसी लगती है इस बाइक की? पावर तो भाई बहुत है इसकी, मैं नहीं मानता। पहले गियर पे 50-60 की स्पीड। तो आपने इससे पहले कौन सी बाइक चलाई है? इससे पहले एक्टिवा चलाई है। इसकी तरफ क्यों गए? जैसे और बाइक के भी यार 15 हैं, जैसे वो ड्यूक वगैरह, बाइक का शौक था वो भी तो स्पोर्ट्स है। इसमें ना अच्छा ठीक है, उस प्राइस में 400 सीसी मिल रही है, ये रीजन हो सकता है। हाँ, तो मैंने इसलिए लिया है क्योंकि मेरे को बेटर लगी है इस पावर के इंजन के लिए। और लुक कैसी लगी? लुक भी कैंट है इसकी। ठीक है, तो भाई इसकी माइलेज बता दो क्या है? माइलेज 20 की है भाई। 20 की? और कंपनी का क्लेम करती है? कंपनी करती है 26 नहीं 30-35 30%। 20 की मतलब आपको पूरी 20 की मिलती है? 22 वैसे हाईवे पे चलाओ तो 30% चल जाती है, 28-30। ठीक है यार, फिर तो 400 सीसी के हिसाब से। बाकी इसमें इंजन के बारे में कुछ पता है? हीट मारता है? नहीं हीट कुछ भी नहीं है, कूलिंग पावर दे रखा है। हाँ लिक्विड कूल्ड है भाई इंजन भी, लिक्विड कूल है, हीट कुछ भी नहीं आता, हल्का सा भी नहीं आता। और भाई वाइब्रेशन कहाँ पे आती है? वाइब्रेशन भाई रेस देते ही सार ना पूरी यहाँ तक का वाइब्रेशन आती है, ये फुट रेस्ट में भी दोनों में और हैंडल बार में भी। हैंडल बार में नहीं आती। ठीक है, और इसकी टॉप स्पीड कितनी है? टॉप स्पीड इसकी 200 की है। तो ये अनस्टेबल अनस्टेबल होती है? 200 की है तो 186 पे तो मैंने ही लगा रखी है। 86 अच्छा चल समझ जाएंगे, मुझे नहीं पता क्या होता है। 186 ठीक है। तो भाई अनस्टेबल होती है? नहीं नहीं हाई स्पीड में नो। ठीक है, तो और भाई अब बताओ टायर की अपने लिए तो नहीं होती, बाकी ये जेड़े चलाते हैं उनके वो तो पता नहीं है। हाँ चलो भाई टायर की परफॉर्मेंस बताओ कैसी है, मतलब अभी तो खत्म हो रखे हैं टायर। टायर भाई खत्म हो रखे हैं इसके, चला के खत्म होते हैं। ठीक है भाई, तो आपने लीन वगैरह करी है इसको? नहीं ठीक है, फिर तो कुछ खत्म होगा क्वेश्चन ही, फिर क्या पूछूं इसमें मैं। ठीक है भाई, और सस्पेंशन कैसे लगते हैं? मतलब जैसे मेरी एमटी है उसके थोड़े स्टिफ है, उसमें मतलब पूरा दर्द बताती है कि हाँ खड्डा है, इसमें होता है ऐसा कुछ पता लगता है सस्पेंशन में? नहीं कुछ नहीं पता चलता, बस बाकी तो कुछ नहीं पता है, पूरा ओके है भाई। लाइट का थ्रो कैसा है इसका? जाते हैं आजा भाई लाइट देखो पहले। ऑन कर रखी है भाई। ये ऑन है? अच्छा हुई है वही तो मैं कहूँ ऑन थी। ठीक है भाई, नहीं मतलब ये तो चलो हमें क्या समझाएगा दिन में, आप बताओ रात को थ्रो कैसा लगता है? रात इसकी जो लाइटिंग है बहुत दूर तक है, 100 मीटर की रेंज में आपको मतलब क्लियर दिखता है, दिक्कत तो नहीं होती कोई? पूरा। और ये तो आफ्टर मार्केट लगाए ना, कंपनी से नहीं आते? ठीक है, कंपनी से आते हैं, वैसे कंपनी से आते हैं, मगर वो जरा डिप सेमटेक की वो लगवानी पड़ती डब्बी। अच्छा, वो खुद लगवाते हैं। ठीक है भाई, कंपनी नहीं देती, कंफर्टेबल। हाँ तो भाई इस कंफर्टेबल है इसकी राइडिंग पोस्चर, बैठ के दिखा दो एक बार, अपनी हाइट बताना। 5'7" और ये है 800 mm है ना इसकी हाइट? मैंने देखी थी इसकी हाइट है बाइक की, मतलब सीट हाइट है 800 mm। देखते हैं कि भाई कैसी आ रही है। 360 व्यू दे देता हूँ। देख लो भाई पूरे पैर लग रहे हैं 5'7" वाले को, तो मुझे लग रहा है 5'5" वाले को भी कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें। तो राइडर राइडिंग पोस्चर भी कंफर्टेबल ही लग रहा है। ठीक है, तो मतलब पेन होता है कहीं पे लॉन्ग राइड में या 100-200 किलोमीटर ऐसे में? नहीं ऐसे तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब ये कौन सा एग्रेसिव बाइक नहीं है ना, मतलब ये पोस्चर में। ठीक है भाई, बताओ इसकी सर्विस कॉस्ट कितनी आ जाती है? 2500-3000 के बीच में आ जाती है। तो भाई ये बजाज की है, तो भाई बजाज वाला का बिहेवियर वगैरह कैसा लगता है? ठीक है मैकेनिक वगैरह सारे सही है। ठीक है चलो भाई, अब दिखाते हैं इसका डिजिटल मीटर, इसमें क्या क्या मिल जाता है। तो भाई यहाँ पहले दो मीटर, ये क्या चीज़ है? अच्छा ठीक है, मीटर ये रहा, तो इसमें मिल जाता है RPM वगैरह दिख जाता है, और गियर शिफ्ट इंडिकेटर है, टाइम है, किलोमीटर भी है किलोमीटर भी है हाँ, किलो कहाँ पर है दिख नहीं रहा,
अच्छा ठीक है, इधर से ऐसे दिखना पड़ता है, ठीक है ओके। पेट्रोल वाला तो होता ही है। और भाई यहाँ पे क्या है? अच्छा वो चीज़ जो वहाँ होती है वो इसमें यहाँ पर है, ABS। हाँ ठीक है। साइड स्टैंड लगा है कि नहीं? स्टैंड लगा है। ओवरहीटिंग और इंजन ठीक है, बाकी यहाँ पे मिल जाता है कट ऑफ इन, ठीक है। और यहाँ पे ये इंडिकेटर हॉर्न, बाकी तो पता ही होता है यार, बेसिक चीज़ें क्या बताऊँ। हाँ भाई, तो कितने गियर हैं इसमें? भाई इसमें ना 6 गियर हैं। ठीक है। और भाई इसमें स्लिपर क्लच भी मिलता है, ठीक है। वेट कितना है भाई इसका? 187 जहाँ मैंने देखा था। तो कोई दिक्कत होती है आगे पीछे करने में? इसका कट आउट जो ना दूर से, हाँ हाँ रेडियस दूर से होता है, पास में नहीं मुड़ती है। नहीं, अगर जैसे कभी हाथ खुद के आगे पीछे करनी हो? हम मैं तो कर लूंगा, बाकियों को पता नहीं भाई कैसे करते हैं। ठीक है भाई, ठीक है, खुद के लिए तो कंफर्टेबल है। तो भाई बताओ आपको जो चीज इसमें अच्छी नहीं लगती? एक तो ये क्या टेल लाइट ही? टेल लाइट ठीक है, बाकी शीशा वाइजर वाइजर ठीक है। तो भाई आप क्या रिकमेंड करते हो बंदों को कि ये बाइक परचेस करनी चाहिए या नहीं, मतलब खरीदनी चाहिए या नहीं? करनी चाहिए, उनके ऊपर डिपेंड आओ। नहीं, अगर किसी को पसंद हो कोई ऐसी दिक्कत तो नहीं आ जाती बाद में कि हाँ बंदा पछताए खरीद के? नहीं नहीं, माइलेज के ऊपर है बंदे। चल वो तो शुरू से ही पता लगता है बंदे को कि कितनी है तभी खरीदे, वो जैसे पता ही होगा। मेरे पास MT है, तो अब मैं ये 150cc है, तो ये बड़ी सीसी है, तो मैं भी अपना रिव्यू दे दूंगा इसको चला के कि मेरे को कैसी लगी। तो मिलते हैं भाई बाइक पे। तो भाई आ गए हम डोमिनार 400 पे, तो देखते हैं चला के, यही है ना भाई इसकी, देखते हैं चला के कैसा लगता है। तो इसमें काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो रही है भाई, अरे मोटर लगे थे दूसरे गियर में डाल रहा था, काफ़ी ज़्यादा। मैं यार भगा नहीं सकता इसको भी, तो फिर आपको मेरी आवाज़ नहीं आएगी। भाई 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 बहुत ज़्यादा पावर है यार, मोड़ लेते हैं भाई। देखो बस इसकी थोड़ी दिक्कत लगी है, ये देखो यहाँ तक ही प्रेस हो रहा है, ये क्या है तो क्लच देखो यहाँ तक हो रहा है। ज़्यादा पावर है यार इसमें तो, जा मारने गेड़ा मारा, आवाज तो सही आती है ना। ओके ये इस पे सही लग रही है। क्या मतलब है तेरा? देखो तो डालूंगा वीडियो में। तो भैया क्या हाल है? कट नहीं होगा? कहो तो कमी लगेगी, साइड कर दे खड़ी, साइड कर दे। चलो होगी खत्म।